कोई भी प्रोडक्ट आपने चले चाहे इसमें डालिए, जैसे कि ड्रिंक हो गया, जैसे बाजार में आप थम्सअप का ड्रिंक मिलता है, थम्सअप का ड्रिंक डालेंगे तुरंत इंस्टेंट 4 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर आपको थम्सअप का स्नोफॉल बना के देगी। मिल्क ये आप देख सकते हैं, कोल्ड कॉफी है मेरे पास, कोल्ड कॉफी डालेंगे इंस्टेंट 3 से 4 सेकंड में कोल्ड कॉफी का प्लेटर बना के देगी। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ऑरेंज का पल्प ये टैंक में डाल देना है। देखिए ये ऑरेंज का हमारा टैंक है, इसके अंदर ये पल्प वाला ड्रिंक डाल देना है। 5 सेकंड के अंदर दोस्तों अपना फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार आ रहा है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, यहाँ पे पल्प दिख रहा है। देखिए रोलर के ऊपर जो हमने ऑरेंज पल्पी डाला है उसका पल्प भी आ रहा है और वो भी कटिंग होके आ रहा है साथ में। देखिए लाइव टू लाइव कस्टमर को दे सकते हो, कस्टमर आपके सामने खड़ा है उसके सामने आप फ्रेश क्लीन और हाइजेनिक चीज बना के दे सकते हो दोस्तों। अब देखिए इसमें से प्रोडक्ट बनाने का खर्चा दोस्तों 10 से 12 रुपए में गिरेगा, बाजार में आसानी से 70 से 80 रुपए में आप एक कप या एक डिश बना के सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप लेके दोस्तों मैक्सिमम रोजाना 15 से 20 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने 2023-24 में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए दोस्तों, टोटली न्यू प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च कर दिए दोस्तों। ये मशीन है दोस्तों स्नोफॉल मेकिंग मशीन है, स्नोफॉल कोई भी प्रोडक्ट का लाइव स्नोफॉल आप निकाल के अपने कस्टमर को लाइव दे सकते हैं दोस्तों। 2023-24 में सबसे लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों, इस तरह की मशीन आपके वहां आपके सर आपके एरिया में कहीं पे भी आपने नहीं देखी होगी दोस्तों। ये प्रोडक्ट आप लेके दोस्तों मैक्सिमम रोजाना 15 से 20 हजार रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से प्रोडक्ट बनाने का खर्चा दोस्तों 10 से 12 रुपए में गिरेगा, बाजार में आसानी से 70 से 80 रुपए में आप एक कप या एक डिश बना के सेल कर सकते हैं। ये मशीन है स्नोफॉल मशीन है, इसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे इसका इंस्टेंट विद इन 4 से 5 सेकंड के अंदर स्नोफॉल बना के देगी मशीन दोस्तों। कोई भी प्रोडक्ट आपने चले चाहे इसमें डालिए, जैसे कि ड्रिंक हो गया, जैसे बाजार में आप थम्सअप का ड्रिंक मिलता है, थम्सअप का ड्रिंक डालेंगे तुरंत इंस्टेंट 4 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर आपको थम्सअप का स्नोफॉल बना के देगी। मिल्क ये आप देख सकते हैं, कोल्ड कॉफी है मेरे पास, कोल्ड कॉफी डालेंगे इंस्टेंट 3 से 4 सेकंड में कोल्ड कॉफी का प्लेटर बना के देगी दोस्तों। पल्पी ऑरेंज है, यहाँ पे माजा पड़ा हुआ है, कोई भी ड्रिंक दोस्तों मिल्क से के थिक से के ऑरेंज का नेचुरल जूस है दोस्तों, लस्सी अगर आप लस्सी बेचते हो तो लस्सी का इंस्टेंट लाइव फ्रेश और क्लीन हाइजेनिक दोस्तों स्नोफॉल बना के दे सकते हैं। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई मशीन है, प्लस इसका बीच में जो रोलर बना है ये भी स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का बनाया है। मशीन के अंदर यहाँ पे ऑपरेटिंग के लिए दोस्तों टच पैनल डिजिटल पैनल दिया गया है, जिससे आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, पूरी मशीन को चला सकते हो। मशीन के अंदर दोस्तों 1 HP का एम्ब्राको कंपनी का कूलिंग कंप्रेसर दिया है, जो कूलिंग ठंडा और चिल्ड जिसका आइस और स्नोफॉल बनाता है 24 आवर 24 घंटे में 250 किलो का ये मशीन प्रोडक्शन करके देगी दोस्तों। आइस का कितना स्मूथी आपको रखना है आप डिजिटली डिस्प्ले में से सेट कर सकते हो, कितना टाइमिंग तक आप उसको चलाना है आप डिजिटली सेट कर सकते हो दोस्तों। मशीन को टोटली ऑपरेटिंग के लिए डिजिटल डिस्प्ले दिया है, क्लीनिंग करना है तो डिजिटली आप इसको मशीन को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने इसमें ऑलरेडी फिलहाल आप पानी का आइस का स्नो जो बाजार में गोला बर्फ मिलता है लेकिन वो तो हार्ड होता है दोस्तों, इसमें एकदम रुई जैसे आसमान से जो आइस गिरता है, जैसे मनाली है, कुल्लू है, श्रीनगर है, वहां पे जो आइस गिरता है उस तरह का इसके अंदर से आइस फ्लो फॉल बनकर निकलेगा। फिलहाल अभी हमने इसके अंदर वाटर का टैंक डाला हुआ है, इसलिए फिलहाल हम मशीन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मशीन को स्टार्ट कर दिए दोस्तों, फिलहाल पानी डाला हुआ है इसके अंदर से, पानी का स्नोफॉल निकलेगा इसके अंदर से। मशीन स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, अराउंडली आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका प्रोसेसिंग होगा, तुरंत लाइव टू लाइव स्नोफॉल निकल के देगा। कोई भी चीज आपको ऐड नहीं करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट डालना है खाली यहाँ पे सर्व कर देना है, तुरंत इसका स्नोफॉल बन के आपका डिश बन के तैयार निकलेगा दोस्तों। मशीन ऑलरेडी चालू हुई है, फर्स्ट टाइम जब आप मशीन चालू करेंगे 15-20 या 25 सेकेंड का टाइम लेगा, मिनट नहीं दोस्तों, 15-20 या 25 सेकेंड में देखिए गिरना स्टार्ट हो चुका है, स्नोफॉल बनना चालू हो चुका है दोस्तों। ये वाटर का स्नोफॉल है, मतलब आइस का छोल बोलते हैं, आइस का फॉल बोलते हैं। देखिए बेहतरीन क्वालिटी का एकदम स्मूथी और एकदम रुई जैसा स्नोफॉल बन रहा है इसके अंदर। रोलर आप देखिए किस तरह से इसका रोलर चमक रहा है पूरा,
ये इसके अंदर पूरा आइस बन चुका है, यहाँ पे रोलर में आइस बन चुका है। देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वालिटी का स्नोफॉल बन रहा है इसमें। जो फॉल ऊपर से आसमान से जो स्नो गिरता है दोस्तों, उस तरह का टोटली स्नो बन रहा है देखिए। और ये पूरा चिपकता नहीं है, पूरा ओपन है दोस्तों। अब देखिए पूरा, अब देखिए पूरा रेत जो रहता है ना, रेत रेत की तरह झूम रहा है पूरा। देखिए अब देखिए, तुरंत चिपकता नहीं, एक दूसरे से चिपक के जो लोंदा हो जाता है, जो गोला दब जाता है, उस तरह से दबता नहीं। अब देखिए तकरीबन 24 घंटे में 250 किलो, इसलिए एक घंटे में 10 किलो तक का प्रोडक्शन आपको करके देगी मशीन दोस्तों। आप देखिए, कोई भी आप डाले, वाटर डालते हो, चाहे मिल्क डालते हो, चाहे फ्रूटी डालते हो, चाहे कोला डालते हो, चाहे माजा डालते हो, अब देखिए बेहतरीन को वो स्नो का क्वालिटी आपको कितना हार्ड सॉफ्ट रखना है आप डिस्प्ले में से सेट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसका आपको गोला बनाना है तो इसे गोला भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइव टू लाइव अगर आपको गोला बनाना है, सल्ली गोला बनाना है, ऊपर से सिरप डालना है या ऊपर से टॉपिंग्स डाल के देना है अपने कस्टमर को, आप देखिए। अभी हमने इसमें से आइस का आपको दिखा दिया, अभी हम इसमें से इसको स्टॉप कर देंगे। अभी आपको इसमें से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट करना है, ओनली वाटर का काम नहीं करना है आपको, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आपके पास कीरा का, या मेरे को थम्सअप का स्नो दे दो, कोई कस्टमर आया मिल्क का, इस तरह का आपको चॉकलेट का, कोल्ड कॉफी का स्नो चाहिए, कोई बोलता है इस तरह का बोतल ने चाहिए आपको, मिल्क शेक चाहिए उसका स्नो चाहिए, कोई बोलता है लस्सी चाहिए तो लस्सी का चाहिए तो उसका भी मैं आपको, कोई बोलता है जीरा का फ्लेवर है, जीरा का स्नो चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक, गैस वाला ड्रिंक का स्नो बनाना है तात्कालिक तुरंत, तो उसका भी आप बना सकते हो। अभी हम इसके अंदर से वाटर का सिस्टम क्लोज करेंगे, इसलिए वाटर का लाइन क्लीन करेंगे। यहाँ से सबसे पहले वाटर का बाउल निकाल लेंगे, ये वाटर का बाउल है, ये पूरा निकाल लेंगे यहाँ से, इसको साइड में रख देते हैं। ये वाटर का फाइनल प्रोडक्ट आके तैयार हो चुका है, देखिए पूरा क्लीन हो चुका है, ये रोलर है ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब देखिए पूरा पूरा अच्छे से साफ हो चुका है। अभी नीचे इसका जो ट्रे या स्टोरेज का ट्रे, इसका निकालेंगे यहाँ से, नीचे से जितना पानी पड़ा है वो पूरा पानी निकाल दिया हमने, पानी ड्राई हो गया है, इसको हम वापस यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ही आसान वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई भी नया आदमी इसको आसानी से चला सकते हैं। इसके ट्रे को वापस ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पुपी पड़ा है ऐसा ट्रे, इसको हम ऐसे लगा देंगे, इसका ऊपर बाउल नहीं आएगा, इस तरह का ही आएगा अपना, ये हमने लगा दिया है। अभी सबसे पहले हम इसके अंदर से ऑरेंज पल्पी, ऑरेंज के अंदर जो पल्प रहता है, पल्प वाला ऑरेंज का ड्रिंक निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए ऑरेंज पल्पी मेरे पास है, मशीन को हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम इसका ऑरेंज का पल्प का निकालेंगे, खोलेंगे बोतल को, आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ऑरेंज का पल्पी है ये टैंक में डाल देना है। देखिए ये ऑरेंज का हमारा टैंक है, इसके अंदर ये पल्प वाला ड्रिंक डाल देना है। जितना आप ड्रिंक डालेंगे, टोटल टू टोटल ओलम सोल प्रोडक्ट हमारा बनके निकल जाएगा इसमें। यहाँ पे ट्रे में आ चुका है और बनके गिरना भी स्टार्ट हो तुरंत 5 सेकेंड के अंदर दोस्तों, अपना फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार आ रहा है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, यहाँ पे पल्प दिख रहा है, देखिए रोलर के ऊपर जो हमने ऑरेंज पल्पी डाला है उसका पल्प भी आ रहा है और वो भी कटिंग होके आ रहा है साथ में। देखिए ये भी ऑरेंज पल्पी हमने आधा डाला है, आधा इसमें पड़ा हुआ है दोस्तों। देखिए ये ऑरेंज पल्पी हमने आधा डाला हुआ है, आधा इसमें पड़ा हुआ है, अराउंडली एक पल्पी का बोतल हमारे को गिरेगा, इसका कीमत लिखा हुआ है अराउंडली 20 या 30 रुपीज़ का एक बोतल आता है, आधा बोतल हमने डाला है अपने को, कितने का गिरेगा आप देख सकते हो और कितना प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा। हमने आपके सामने लाए ऑरेंज पल्पी डाला हुआ है और वो प्रोडक्ट कितने का बना अपने को, वो आपको भी कॉस्टिंग मालूम होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि इसको आप कितने में सेल कर सकते हो दोस्तों, बाजार में कितने में इसको सेल करना है आपको, आप खुद सोचेंगे कि इसको आप कितने में सेल कर पाएंगे और आपको बनाने का खर्चा कितने में गिरा है। अब देखिए लाइव टू लाइव कस्टमर को दे सकते हो, कस्टमर आपके सामने खड़ा है उसके सामने आप फ्रेश क्लीन और हाइजेनिक चीज बना के दे सकते हो दोस्तों। अब देखिए और माल इसमें कितना स्टोर पड़ा रहता है वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे, ये फिनिश होने के बाद इसका मटेरियल जो ऑरेंज पल्पी हमने डाला वो टैंक में उसका कितना पड़ा हुआ है। अब देखिए अभी तक आ रहा है अपना ऑरेंज पल्पी, जो
10 से 15 रुपए का मटेरियल हमने डाला हुआ है, अराउंडली 30 रुपीज का पे बोतल पकड़ो ऑरेंज का, तो भी अराउंडली आपको 15 रुपए का हमने माल डाला है इसके अंदर। ये फाइनलाइज प्रोडक्ट बनके रेडी हो चुका है हमारा, अब देखिए ये फिनिश हो चुका है, अभी हम यहाँ से स्टॉप कर देंगे इसको। ये अपना प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है, अपने को अराउंडली दोस्तों 15 रुपए का मटेरियल और 2 रुपए का पे कप गिरा इसका, जो भी कप डिश में देंगे आप इसको। अब देखिए इसका क्वालिटी देखिए, एकदम स्मूथ है, अभी भी ये पकड़ा नहीं। अब देखिए एकदम रुई जैसे, अब देखिए बेहतरीन टेस्ट है। अगर आप एक बार खाएंगे हमारे यहाँ पे डेमो के लिए आएंगे तो आप ये मशीन लेके ही जाएंगे दोस्तों, इसका टेस्ट इतना बेहतरीन है क्योंकि बाजार में इस तरह का टेस्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। आप देखिए इसका क्वालिटी देखिए, अभी हम आपको बताएंगे इसमें कितना मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास। इसका टैंक दिखाएंगे, नीचे का जो टैंक है ये टैंक वापिस हम लेंगे यहाँ से, जो हमने ऑरेंज पल्पी डाला है देखिए, ये फिनिश हो चुका है इसका ओरेंज पल्पी का। आप इसको इसको यहाँ पे इसका जो पल्प था वो पल्प आखिरी पड़ा हुआ है, वापस इसको लगा देंगे यहाँ पे। ये रेडी हो चुका है, अभी हम इसमें दूसरा मटेरियल डालेंगे दोस्तों। दूसरा मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है थम्सअप का, थम्सअप का कार्बोनेटेड ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग पावर वाला कार्बोनेटेड ड्रिंक। अभी हम मशीन को फिर से स्टार्ट कर देंगे तुरंत लाइव टू लाइव। फिलहाल अभी हमने ऑरेंज पल्पी निकाला, अभी सीधा हम इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक निकालने वाले दोस्तों। अब देखिए आपके सामने बोतल पड़ा हुआ है, ये सोडा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए हम इसका गैस भी दिखाएंगे कि स्ट्रॉन्ग है, गैस बिना काम ने नहीं डाला है वो भी दिखाएंगे आपको। देखिए ये देखिए पावर आ रहा है इसके अंदर, अभी हम इसमें थम्सअप डालेंगे। थम्सअप का भी आधा बोतल डाल दिया हमने, अभी हमारे पास थम्सअप का प्रोडक्ट निकलने के लिए तैयार है। आप देखिए इसका जो दाना रहता है, आपको अगर छोटा दाना करना है, ये था दाना जो रहता है, अभी बड़ा दाना आ रहा है उसको छोटा करना है तो आप डिस्प्ले में से सेट कर सकते हो उसको। ये दाना इसको हम बढ़ा के छोटा भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग देखिए, दाना छोटा आ रहा है इसमें, देखिए पहले से दाना छोटा आ रहा है इसमें, एकदम रुई जैसा पतला हो गया पूरा। इसका स्नो का क्वालिटी देखिए, देखिए एकदम रुई जैसा हो गया, देखिए अब देखिए एकदम बारीक हो गया है पूरा दाना। ये थम्सअप कार्बोनेटेड ड्रिंक का दोस्तों, लाइव टू लाइव कार्बोनेटिंग का आइस स्नो फॉल बन के गिर रहा है इसमें से, देखिए एकदम स्मूथी स्नो बन रहा है इसमें, देखिए। कस्टमर जो भी मांगता है लाइव टू लाइव, उसको खड़े टू खड़े उसको जो चाहिए उसको प्रोडक्ट दे सकते हो, सर्विंग कर सकते हो। ओनली 10 से 12 रुपए का थम्सअप का प्रोडक्ट दिया इसमें दोस्तों, आपका डिश बन के तैयार हुआ है। आप कितने में इसको सेल करेंगे, आप कितने में इसको बेच सकेंगे, आप खुद सोच सकते हैं इसको दोस्तों कि ये एक डिश आप इसको बाजार में कितने में सेल करेंगे। आप देखिए यह प्रोडक्ट होके फिनिश हो चुका है, अभी हम इसको बंद कर देंगे, क्लीनिंग मोड में डाल देंगे, इसलिए उसका रोलर वापिस से वो पिघल जाएगा पूरा। आप देखिए इसका भी स्नो का क्वालिटी देखिए, अब देखिए एकदम रुई जैसा इसका बर्फ है, देखिए एकदम बारीक जो शेविया रहती है, जो रेत रहता है, रेत के साथ चिपकता नहीं गिरता है। आप देखिए पूरा। उसके बाद दोस्तों आपको इसको क्लीन और वॉश भी करना है तो बहुत ही आसानी से इसको क्लीन और वॉश भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मशीन को क्लीन करना है, वॉश, नीचे इसका टब रहता है जो वेस्टेज खराब रहता है ये पूरा टब के अंदर आ जाएगा। अभी आपको इसको क्लीन करना है तो क्लीन करने के लिए दोस्तों इसका सबसे पहले ढक्कन है, ये हमारा जिसमें हमने बाउल में मटेरियल डाला है, मटेरियल को ऐसे आपको निकाल देना है। उसके बाद इसका ऊपर का ढक्कन है, निकाल देना है, इसलिए रोलर ओपन हो जाएगा अपना। अब देखिए और नीचे से पीछे यहाँ पे इसका ट्रे दिया गया है। अभी हम यहाँ से इसको क्लीनिंग के लिए पानी डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे रोलर पे आपको इसे पानी डाल देना, इसलिए अच्छे से आपका मशीन क्लीन हो जाएगा। आप देखिए पूरा अच्छे से रोलर अभी वॉशिंग मोड पे चल रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले में क्लीनिंग मोड पे चल रहा है आपका ये मशीन, क्लीनिंग करने के लिए इतना आसानी से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए ये अपना रोलर आसानी से वॉश हो रहा है। अब देखिए
ये आपका मशीन हो गया क्लीन। ओनली 10 या 20 सेकेंड के अंदर पूरा मशीन क्लीन भी कर सकते हो, फिर उसका नीचे से ट्रे निकाल के स्कोप निकाल दिया, ये आपका मशीन क्लीन और साफ हो गया दोस्तों। वापिस इसको इसका ट्रे जैसा था वैसा आप इसको फिटअप कर सकते हो नीचे से, ये ट्रे लग चुका है, इसका ऊपर का झाली इसको लग सकते हो, या आपका साफ सुफ करके नेपकिन या कपड़ा मार के इसको आप रख सकते हो आसानी से। अभी इसमें आपको कोई कॉफ़ी वाला है कोल्ड कॉफ़ी का ड्रिंक निकालना है तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए अभी हमारे पास यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी लेके रखा हुआ है दोस्तों, एक ये पड़ा है और एक अमूल कंपनी का मिल के ये रखा के लिया रखा है हमने, और इसको मशीन को हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से मशीन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसका यहाँ पे आगे बैठक भी लगा देंगे, इसका स्नो फ्लो के लिए जो स्नो फ्लो है इसको आसानी से अपने तरफ आ जाएगा। ये अब देखिए अभी हम इसमें से हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी पड़ा है उसका मटेरियल सीधा टब में डालेंगे यहाँ पे। ये कोल्ड कॉफ़ी हमने डाल दिया इसमें और यहाँ से तुरंत गिरना भी चालू हो गया दोस्तों, हमारे पास समय भी नहीं है जरा इसको लेने के लिए। अब देखिए तुरंत लाइव टू लाइव गिरना स्टार्ट हो गया है, साथ में अमूल का भी मिक्स कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए ये कोल्ड कॉफी का हमारे पास ड्रिंक बन के तैयार आ रहा है, देखिए कितना बेहतरीन रूई जैसा बर्फ है इसका। इसका पट्टी बड़ा करना है हम तो इसका पट्टी भी बड़ा कर सकते हैं, देखिए पूरा पतला स्नो आ रहा है तो अभी पतले की जगह हमारे को ज्यादा स्नो निकलना है, देखिए थोड़ा थीक पट्टी जैसा निकलना है तो पट्टी जैसा निकलेंगे। अब देखिए पहले एकदम बारीक था, अभी देखिए कैसा स्नो निकल रहा है। अब देखिए इसका पट्टी बढ़ जाएगा यहाँ पे, देखिए अब देखिए बड़ा पट्टी आ रहा है इसमें, देखिए आइस का स्नो जो रहता है पट्टी बड़ी आ रही है। अब देखिए पहले एकदम बारीक आ रहा था, अभी इसका पट्टी बढ़ा दिया हमने क्योंकि डिस्प्ले में से सेटिंग हमने कर दिया डिफरेंट, देखिए ये मिल्क बेस का मिल्क मेड है, कोल्ड कॉफी है, दूध कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है, छाछ है, बटर मिल्क है, कोई भी प्रोडक्ट का इस तरह का हल्का और बारीक आप स्मूथी स्नो बना के निकाल सकते हो दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों आपको मशीन की लाइव डेमोस्ट्रेशन दी है, कैसे मशीन चलती है, कैसे ऑपरेट होती है दोस्तों, मशीन में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग खाने पीने की लिक्विड आइटम कोई भी प्रोडक्ट है दोस्तों आप इसमें आसानी से इसको चला सकते हो, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको ये बाउल के अंदर इसको लगा देना है और यहाँ से ढक्कन प्लेट लगा के कस्टमर को सर्विंग कर देना है, यहाँ से प्लेट लगा के कस्टमर को सर्विंग। कोई भी प्रोडक्ट आपके पास कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट मांगता है लिक्विड वाला, ऐसा स्नो वाला बैग आप उसको बना के दे सकते हो दोस्तों। तो 2023-24 में दोस्तों लेटेस्ट मॉडल है, न्यू कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके लिए बाजार में, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके बाजार में लाइव टू लाइव अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बिजनेस करके दोस्तों रोजाना आप मैक्सिमम बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, एक घंटे के अंदर तकरीबन आप 10 किलो तक का ऐसा आइस का प्लेट बना के दे सकते हो, 24 घंटा वर्क करते हो तो दोस्तों 240 किलो तक इसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी, प्राइस, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा कंप्रेसर है, कितना टाइमिंग है इसका, कितना इसका कैपेसिटी है, हर एक जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।